चैप्टर नंबर 16 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। फर्स्ट वन इज अ नॉर्मल बार ग्राफ। फर्स्ट वन इज अ नॉर्मल बार ग्राफ। सेकेंड वन कंपाउंड बार ग्राफ। And third one is the frequency polygon. The most important is the frequency polygon, and there are high chances this frequency polygon will come from this chapter. Only one sum will come from this chapter, and most probably it will be frequency polygon. Okay. First is normal bar graph. So before drawing a bar graph, you must know how to use a graph paper. So this is your graph paper. Okay, if you have a 2 cm graph paper, you must have a 2 cm graph paper. Okay, so you will have lines like this in the graph paper, 2 cm, and this way. Now this each box of 2 cm will have 10 divisions in it, correct? Will have 10 divisions in it. Now in this box we have to draw the x-axis and the y-axis first. So x-axis is horizontal line, y-axis is a vertical line. Okay, so leave one box here, one line here, and draw the x-axis. Draw the x-axis like this, and then leave one line from here on the left and draw the y-axis like this. Draw x-axis and y-axis, label it right here, y, y dash, x, x dash. Sir, x is horizontal. This is x. Oh, okay. Graph paper. Then you can write it. It is your proof. Done? X-axis, y-axis done? After drawing the x-axis and y-axis, we first understand how to draw a bar graph. So bar graph is very simple, where you will have see the question on page number 180. Solved example 1, page number 180. Example 1, they have told, draw a bar graph to illustrate the following. Monthly expenditure on various items of family are given below in a table. So items are food, education, house rent, miscellaneous savings. And the amount spent monthly on these items is 8,000, 2,000, 5,000, 4,000, 1,000. Okay, table samajh rahe? This is the question. Theek hai, ye question hai. Ab next column mein graph dekho kaise banaya hai. On the x-axis, we have the items. करेक्ट, एक्स एक्सिस पे आइटम्स है, एंड वाई एक्सिस पे आपको देखना है कि जो अमाउंट स्पेंड किया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। 8,000 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अमाउंट स्पेंड। सो हमारा जो वाई एक्सिस है उसका रेंज 8,000 तक होना चाहिए, ठीक है, या थोड़ा उससे ऊपर ले, 9,000 तक तो भी चलेगा,
बट 0 to 8,000 होना चाहिए, ठीक है। और 0 to 8,000 के बीच में जो इंटरवल्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। इक्वल मतलब अगर आपने लिमिट सेट कर दिया कि आपको 0 से 8,000 तक जाना है, ठीक है, तो आप क्या करो 1,000 का गैप ले लो, ठीक है, तो 8 लाइंस चाहिएंगे आपको, ठीक है, आपके ग्राफ में 8 लाइंस है, काउंट कर लो, काउंट करो, अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे 0, 100, 1,000, 2,000, 3,000 से करके टॉप तक 8,000 लेके आओ। ओके रुको, ये वाले ग्राफ जो ग्राफ पर अभी यूज कर रहे हो उस पर मत करना, सिर्फ डायग्राम देखो, सॉल्व एग्जांपल है ना ये देखो, हम जो सॉल्व एक्सरसाइज का समय वो सॉल्व करेंगे, जस्ट सी द डायग्राम। तो उन्होंने वाई एक्सिस पे, ऑन द वाई एक्सिस दे हैव मेड इक्वल इंटरवल्स, सी 2 2 सेंटीमीटर के एक बॉक्स को 1,000 लिया, 1,000 रुपीज, देख रहे हो ना, 2 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक्स 1,000 रुपीज, ठीक है, दिस इज द डायग्राम। सो ये हो गया, और आइटम्स में उन्होंने जो भी आइटम्स थे, फूड है फर्स्ट आइटम, ठीक है, तो फूड का अमाउंट स्पेंड कितना है, 8,000, सो दैट 8,000 उन्होंने फूड का जो बार है उसको 8,000 तक लेके गए हैं, ठीक है। उसकी जो विड्थ है, विड्थ वो ऐसे कुछ फिक्स नहीं होती, आप ले सकते हो, बस आपको सिर्फ सेम रखना है सबके लिए, ठीक है, जो फूड का बार है उतना ही बार सबका होगा। हाइट होगी जो उसकी, वो वाई एक्सिस से करस्पॉन्ड होगी, मतलब वाई एक्सिस में कितना है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन इज 2,000, तो एजुकेशन वाला बार 2,000 तक गया, ठीक है। इसके बाद हाउस रेंट मिसलिनियस, ओके, देन आपको लेबल करना होता है उनको, लेबल मींस वाई एक्सिस को आपने क्या लिया था, अमाउंट स्पेंड लिया था इन रुपीज, तो आपने यहाँ पे लिखना पड़ता है कि वाई एक्सिस इज अमाउंट स्पेंड इन रुपीज, ऐसा, ठीक है। एक्स एक्सिस आइटम्स था, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह आपको लिखना पड़ेगा दिस इज आइटम्स, ओके, लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। और देन है स्केल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द स्केल, ठीक है। नाउ यहाँ पे कोई वैल्यूज है ही नहीं एक्स एक्सिस पे, सो इस बार ग्राफ में एक्स एक्सिस की स्केल नहीं होगी। स्केल कब होती है, जब यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं कुछ, यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं है तो एक्स एक्सिस की स्केल नहीं है, बट वाई पे वैल्यूज है, ठीक है, क्या वैल्यूज है, 0,000, 2,000, 3,000, तो अब स्केल कैसे लिखते देखो, ऑन वाई एक्सिस, ओके, ये आपका 2 सेंटीमीटर का ग्राफ पेपर है, ठीक है, तो ऑन वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स, आपने वाई एक्सिस में ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस को कितना अमाउंट लिया है, 1,000 रुपीज, तो यू विल राइट 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 1,000 रुपीज, समझ में आ रहा है, ओके, 2 सेंटीमीटर टेक्स्ट बुक में उन्होंने 1 सेंटीमीटर इक्वल 1,000 लिया है, बिकॉज उन्होंने 1 सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर यूज किया है, बट आपको 2 सेंटीमीटर ही करना है एग्जाम में, ठीक है, तो आप 2 सेंटीमीटर लिखो, ओके, अंडरस्टूड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, यहाँ पे ऊपर y एंड हियर y डैश, नीचे यहाँ पे x एंड दिस इज x डैश, एंड दिस वैल्यू हियर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते दैट इज 0, ठीक है। अब ये होने के बाद सी द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज वी हैव टू ड्रॉ अ बार ग्राफ ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विल कम ऑन द एक्स एक्सिस, फर्स्ट कॉलम हमेशा एक्स एक्सिस पे आएगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल कम ऑन द वाई एक्सिस, ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द वाई एक्सिस, सो हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 250 है मैक्सिमम वैल्यू, तो मुझे 0 से 250 जाना है, तो किसका इक्वल इंटरवल्स ले लूँ, 50-50 का ले लूँ, 0, 50, 100, 150, 200, 250, ठीक है, तो 5 तक आ जाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये 0, फिर यहाँ पे 50, 100, 150, 200, 250, ओके, तो ऐसे
हाईलाइट कर देना ये पॉइंट्स। एक और एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो चाहिए तो 300। ओके आप अगर 25-25 का गैप लेते तो वो और थोड़ा बड़ा बार ग्राफ बनता, ठीक है, बट बहुत सारा करेक्ट। ठीक है, अब वी हैव टू ड्रॉ द बार्स। सो फर्स्ट वन इज बस, ठीक है, तो अभी क्या विड्थ लोगे? एक काम करो, जो आपका 2 सेंटीमीटर का बॉक्स है ना उसमें से 1 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर का बार बना। ओके, जीरो से टच करके मत बनाना, एक गैप रखना है 1 सेंटीमीटर छोड़ना और फिर फर्स्ट बार बनाना। ओके, ये 1 सेंटीमीटर लीव करना है यहाँ से और फिर फर्स्ट बार बनाना, ठीक है। फर्स्ट बार बस का है जो 250 है, सो फर्स्ट बार आपका कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, आप इसमें थोड़ा सा शेड भी कर सकते हो चाहिए तो। अंदर अंदर लिख भी दो बस चाहिए तो, अगर आपने शेड नहीं किया नीचे लिखेंगे तो भी चलेगा, तो दोनों चलते हैं। अंदर नेक्स्ट इज ड्रेन, 50 है जिसका, सो 1 सेंटीमीटर छोड़ के वापस एक ड्रेन का बार बना दो। आप बस इसके अंदर भी लिख सकते हो या नीचे भी लिख सकते हो, बोधर करें। Then next is auto rickshaw, AR auto rickshaw, that is till 150, so 150 तक लेके जाएंगे इसको। Then car, then walk. So car is 75. अब 75 mark नहीं किया, but आपको सोचना है 75 कहाँ होगा, 50 और 100 के बीच में होगा। So 50 और 100 के बीच में से आप एक scale से ले लो या अंदाज से ऐसा यहाँ पे ले लो उस line को 75 car and walk 20 है, तो अभी 20 कैसे लेंगे? 0 से 50 के बीच में 25 आएगा, बरोबर, 0 से 50 के बीच में 25 आएगा, तो उस जो मिड पॉइंट है, ठीक है, उससे भी एक बॉक्स नीचे, एक छोटा वाला बॉक्स नीचे, ठीक है, जो मिड पॉइंट आएगा उससे भी एक छोटा वाला बॉक्स नीचे, वहां से अंदाज से आपको लेके स्केल इज लेफ्ट, यू हैव टू राइट द स्केल, सो यहां पे आई विल राइट द स्केल ऑन y एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स, क्या लिया था 2 सेंटीमीटर इक्वल्स, ये क्या था 50, ये क्या थे, ये नंबर्स क्या थे, मोड ऑफ, व्हाट वर दीस, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, 50 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पे लिखना भूल गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखो यहां पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहां पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्स एंड वाई लेबल किया है ना, और 2 सेंटीमीटर को वी हैव टेकन 50 स्टूडेंट्स, करेक्ट, वी हैव टेकन 2 सेंटीमीटर एज 50 स्टूडेंट्स, वी हैव राइट हियर 50 स्टूडेंट्स।
Done? If done, come to page number 181 and see the example of a compound bar graph. On page number 181, we have compound bar graph. Uska question dekho, previous page ka uska question diya hai. Given below is the data of number of students studying in standard 9 in different divisions of a school. So, division A mein boys 28 hai, girls 20 hai. Division B mein 30, 15, 28, 14, 32, 12 क्या है, दो डेटा एक साथ क्लब करते हैं, ठीक है. सो इन डिविजन ए देर आर सर्टन नंबर ऑफ बॉयज, सर्टन नंबर ऑफ गर्ल्स, बोथ बार्स आर ड्रॉन एडजेसेंट टू ईच अदर. ओके, सो डिविजन ए का पूरा डेटा एक ही साथ आ गया वहाँ पे दोनों बार्स में. तो इस तरह से इसे कहते हैं कंपाउंड बार ग्राफ. ओके, एंड टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू बार्स, इफ यू सी ऑन द टॉप देयर, दे हैव ड्रॉन अ स्मॉल बॉक्स जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखा है बॉयज एंड गर्ल्स. ठीक है, तो जो बॉयज वाला है उसे वाइट रखा है एंड जो गर्ल्स है उसे थोड़ा सा हाईलाइट किया है. ठीक है, तो वैसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कौन सा बॉयज का है कौन सा गर्ल्स है. ठीक है, तो इसीलिए लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज. वी ऑल्सो हैव अ कंपाउंड बार ग्राफ, वी हैव टू ड्रॉ कंपाउंड बार ग्राफ. Draw the x-axis and the y-axis. Y axis बनाया सीधा एंड x axis. दिस पॉइंट इज जीरो, लेबल दिस एज x, x dash, ऊपर वाला y, नीचे y dash. ठीक है, द वैल्यूज ऑन y axis का रेंज क्या है, मैक्सिमम क्या नंबर दिख रहा है, 12. तो 2-2 का गैप ले सकते हैं या आप 1-1 भी कर, अगर 1-1 करोगे तो आएगा क्या, स्पिट कर फिट होगा क्या, काउंट करके देखो अगर 1-1 करोगे तो फिट होगा क्या. 12 नहीं आएगा, तो इसलिए 2-2 का गैप लेते हैं. तो यहाँ पे लिखिए 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. अब मेन एंड वुमेन, ठीक है, फर्स्ट बार जो बनाएंगे वो मेन का बनाएंगे, सेकेंड बार जो बनाएंगे वो वुमेन का बनाएंगे. ठीक है, सो फर्स्ट आर डॉक्टर्स, सो माय फर्स्ट वन इज डॉक्टर्स. ठीक है, अब जो आपके जो बॉक्सेस है आपका, अगर ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है ऐसी ये वाली, ठीक है, तो कैसे बनाओगे, एक 1 सेंटीमीटर का बार 2 सेंटीमीटर के लेफ्ट साइड बनाओ. ठीक है, और एक वन, ये आपका डार्क वाली लाइन होती है, डार्क ग्रीन लाइन, दिस इज योर डार्क ग्रीन लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर. सो एक बार को इधर लेफ्ट में बनाओ और एक बार को उसके राइट में बनाओ, ऐसा करेक्ट. मैं वैल्यूज देख लेता हूँ. फॉर फर्स्ट वन इज फॉर मेन, सो हाउ मच इट इज, 5, सो 4 एंड 6 के बीच में 5,
it will be something like this. And 3, so between 2 and 4, something like this. Okay? Then, men या women दोनों में से किसी एक को कलर करो, ठीक है? तो सारे men वाले ग्राफ कलर करो या सारे men women वाले बार्स को कवर करो, कलर करो, ठीक है? तो मैं men वाले को कलर करता हूँ, तो मैं शेड करता हूँ उसे। यहाँ पे we will make a small box for identification that the highlighted bar is men, the non-highlighted bar is women. Next is engineers. Between doctors and engineers, leave 1 centimeter gap. Then start engineers. After engineers, it is lawyers, 2 and 4. Then after lawyers, teachers, 1 and 7. One means 0 and 2 के बीच में, छोटा सा बॉक्स है। शेड करना मत भूलना, मेन वाले बार्स को। Then company executives. Company executives, fast, hurry up, jaldi mein ho, thoda fast. Others. It is okay even if it touches the last line of your bar graph.
ये लास्ट लाइन है आपके ग्राफ पेपर का, इवन इफ इट टचेस देयर डजंट मैटर, ड्रॉ इट. You also have to label the axis. Means this is profession. यहाँ पे लिखना पड़ेगा this is profession. और एक arrow बनाना है sir. Profession. And on y axis. Now, y axis we have taken 2 cm as 2 people. People in the society. So on y axis 2 cm equals 2 people. And right here also, number of men and women, yeah, number of people. Number of men and women. Next, frequency polygon. Let's start frequency polygon. We'll at least complete one sum of frequency polygon today. Again, draw x-axis and y-axis on a new graph paper. Draw x-axis and y-axis. Now, in frequency polygon, what we have to do is, see, there are two types of sums in frequency polygon. See the question number 3, the values in the first column are 100, 200, 300, 400, 500. But see question number 5, the values are 20 to 30, 30 to 40, so these are two types of sums. So first, let's do question number 3, where we have single values. Okay, so single values, the profit. See, first column is always x-axis. Pehla column x-axis, dusra column y-axis. Okay, the first column is x-axis. On x-axis, I have 4 values. 100, 200, 300, 400, 500. 5 values.
ओके सो ये जो लाइन है यहाँ मार्क करना, फर्स्ट जीरो ठीक है, देन 100, 200, 300, 400, 500. On y-axis, what is the maximum value? 28. So round off 30 को करो, ठीक है? So क्या रेंज ले? 5, 10, 3 भी ले सकते हैं या 5 भी ले सकते हैं, ठीक है? 3 लेंगे तो I guess थोड़ा better होगा, कुछ 3 के multiples दिख रहे हैं. 3 में 10 values आ जाएगी, ठीक है? 10 values में हमारे पास जगह है, 10 values की count करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 आ जाएगा. तो 3 भी ले लो फिर, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. मेरे में नहीं आ रहा 30, चलो ये 30 समझो. Now, what you have to do is mark the points. कैसे? First 100 profit के लिए number of shops कितने हैं? 12. So 100 कहाँ पे? ये 100 है. ठीक है. और 12 कहाँ पे होगा? यहाँ पे ये 12. ठीक है. So 12 और 100. एक second. So 100 और यहाँ पे 12, तो इन दोनों को मीट करो. 100 ये ऐसा है, लाइन ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है? बट ये 100 का लाइन है और ये 12 का लाइन है. दिस आर मीटिंग हियर ऑन दिस पॉइंट, ठीक है? तो इसको मार्क करो ऐसे. हाँ, सर्कल करो, हाईलाइट करो, ठीक है? देन 200 के लिए 180, सो 200 के लिए 80. 18 का है यहाँ, ये रहा 18, ये 200, तो ये वाला पॉइंट आएगा. ओके, देन 300 इज 28, सो 28, 27 और 13 थोड़ा सा बीच में है, 28. And then 20, 400 के लिए 20, so 20 मार्क के थोड़ा सा नीचे, 20 and 17, 18 के थोड़ा सा नीचे, 70. Now, याद रखना फ्रीक्वेंसी पॉलीमर में हमेशा एक लिमिट एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, ठीक है? एक वैल्यू एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है. एक वैल्यू एक्स्ट्रा की मतलब यहाँ पे 500 तक है ना, एक और एक्स्ट्रा लिखो 600. स्टार्टिंग में भी लेना पड़ता है, बट वो जो रेंज वाले सम्स आएंगे ना आगे, इंटरवल वाले सम्स कहते हैं, 20 to 30, 30 to 40, उसमें एक और एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में भी लेना पड़ता है. जब मैं वो सम करेंगे तब बताऊंगा. अभी यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है? अब इनको स्केल से ज्वाइन करो, पॉइंट्स को लाइन से. ये यहाँ से यहाँ पे 1, फिर 2, 3, 4, ये स्केल से ज्वाइन हुआ. और इस लास्ट पॉइंट को, ये जो लास्ट 600 में नया वैल्यू बनाया है ना, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, 500 के लिए 17 था, इसके बाद 600 कुछ नहीं है, तो इसको 600 पे एड करो.
और फर्स्ट वाले को जीरो पे एंड करो। Understood? Yes. Now label this. ये क्या था? यहाँ पे लिखो उसका नाम। ये profit है। Profit in rupees. So profit in rupees and these were number of shops. यहाँ पे लिखो number of shops. Okay. Then scale लिखो यहाँ पे scale. अब scale दोनों पे आएगा. X पे भी Y पे भी. दोनों पे scale लिखना पड़ेगा. On x-axis, on y-axis. दोनों पे 2 सेंटीमीटर equals 100 का गैप लिया है 100 रुपीस तो x-axis पे 2 सेंटीमीटर is equal to 100 रुपीस and y-axis पे 3 shops. Okay, so 2 centimeter is equals to 3 shops. अच्छे से fit कर लेना उसे. रुपीस का यहाँ से पहले आए. Okay, make sure you have made these arrows. ये arrows बहुत important है. चारों side में arrows होनी चाहिए. Okay, do the question number 4 on your own. Do it on your own. You also pause the video and do the question number 4 on your own. Question number 4 on your own. Number of students maximum value is 14, so we can take the intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, like this. And here it starts from 0, so 50, 100, 150, and so on. Twice, so it doesn't matter. We will mark it 2 times. So in the first value is 2. The first number will be here. 100 ke liye 8. So 100 ke liye 8 is there. Then 12. 150 ke liye 12. Then 14. Then again 8. Again 8. Right. 250 ke liye 8. Then 6. Something here. And take one value extra. So you have taken 350, one value extra. Now join them with scale. Using scale. Like this. And write the scale also here. On x-axis, on y-axis. 2 centimeter is equal to. On x-axis it is 50 rupees. On y-axis it is 2 students. Okay? And label the axis also. Label these axes. Pocket money. Weekly pocket money. And number of students. Okay, that's it for today. In the next lecture, do one thing. In the next lecture, before coming, draw 4 on 4 graph papers.
draw x axis and y axis. Okay. मैं करके आऊँ x axis y axis.